हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट यू अगेन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फाइलम के बारे में कि फाइलम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि जितना भी मेरा प्रीवियस वाला वीडियो है, आप लोग को वो देखने से क्या होता है, जितने भी आप लोग का नेक्स्ट वीडियो में आने वाले डाउट है, वो सारे डाउट क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। तो आज हम अब किसके बारे में बताने वाले हैं, तो फाइलम के बारे में। तो आपका टॉपिक क्या है? फाइलम। ठीक है, अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे व्हाट इज फाइलम, फाइलम क्या होता है। तो फाइलम का सिंपली अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो संघ होता है। फाइलम मतलब क्या होता है? संघ होता है। अब देखिए, फाइलम क्या होता है, तो एक प्रकार का क्या होता है, किसी भी स्पीसीज का ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए, इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं, इन सारे एनिमल्स को एक अलग अलग क्या किया गया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो उन्हीं ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो फाइलम कहते हैं, मतलब संघ कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि संघ एक प्रकार का देखा जाए तो वह ग्रुप होता है जिसमें हर एक लिविंग बीइंग को, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग बीइंग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनको एक अलग अलग क्या किया गया है, ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो संघ कहते हैं। उनके जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ पे, उनके सारे डिफरेंट के हिसाब से, जितना भी उनका स्ट्रक्चर है, या फिर जितना भी इनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर अलग कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर के आधार पे उनको क्या किया गया है, तो अलग अलग समूहों में रखा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो ग्रुप कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए, जितने भी इस अर्थ पे एनिमल है, उन सारे एनिमल को कितने फाइलम में रखा गया है, तो 10 फाइलम में रखा गया है। कितने? तो 10 फाइलम में। देयर आर 10 फाइलम ऑफ एनिमल, मतलब जिस इस पृथ्वी पे जितने भी क्या है, मल्टी सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उनको डिफरेंट के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से, उनके जितने भी स्पीसीज हैं, जातियों के आधार पे क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो कितने संघों में? तो देयर आर 10 फाइलम ऑफ एनिमल्स, मतलब जितने भी जंतु होते हैं, उन सारे जंतुओं को कितने संघों में बांटा गया है, तो 10 संघों में बांटा गया है। अब कौन कौन से संघ है, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब फर्स्ट जो फाइलम है वो कौन सा है, तो सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ। सबसे पहला संघ क्या है? प्रोटोजोआ। सेकेंड क्या है? पोरीफेरा। थर्ड क्या है? सीलेन क्रेटा, जिसे हम सेकेंड नाम से, नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। नाइडेरिया सीलेन क्रेटा जो फाइलम है, उसे हम क्या कहते हैं, तो नाइडेरिया संघ भी कहते हैं, नाइडेरिया। सीलेन क्रेटा को हम दूसरे नाम से, नाइडेरिया के भी नाम से जानते हैं। तो प्रोटोजोआ हो गया, पोरीफेरा, सीलेन क्रेटा, फोर्थ है आपका सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेलमेंथी, जो आप लोग का चौथा फाइलम है कौन सा है, तो प्लेटीहेलमेंथिस। प्लेटीहेलमेंथिस मेंथिस, इसे हम सेकेंड नाम से, तो सेकेंड नाम से चपटे क्रीमी के भी नाम से जानते हैं। कौन से नाम से? तो चपटे क्रीमी के नाम से। प्लेटीहेलमेंथिस को हम क्या बोल सकते हैं? चपटे क्रीमी। तो फर्स्ट है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमेंथिस, फिफ्थ है आप लोग का एस्केहेलमेंथिस। एस्केहेलमेंथिस इसे हम कौन से नाम से? तो गोल क्रीमी के नाम से भी जानते हैं। क्या? गोल क्रीमी। एस्केलमेंथिस सिक्स है आप लोग का, एस्केलमेंथिस हो गया, और छठवां है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो एस्केलमेंथिस हो गया, उसके बाद से एने लीडा। छठवां कौन सा है?
एन ए लीडा। सातवां है मोलस्का। आठवां है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। नौवां है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। और दसवां जो फाइलम है आप लोग का, दसवां फाइलम कौन सा है, इसे हम कहते हैं कॉर्डेटा। दसवां फाइलम कौन सा है, तो कॉर्डेटा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका, सबसे पहले हमें क्या जानना है, तो आप लोग को हम सिंपली बता चुके हैं कि इस अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स को कितने संघों में बांटा गया है, तो 10 संघों में। कौन सा है, प्रोटोजोआ, पोलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलीडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, ये आप लोग के क्या है, 10 संघ है। अब हमें ये समझना है कि इन 10 संघ में कौन कौन से प्राणी को क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अगर बात करें हम प्रोटोजोआ की, तो जो प्रोटोजोआ जो आप लोग का ये फाइलम है, तो प्रोटोजोआ में कौन से लिविंग को, कौन से एनिमल को रखा गया है, तो जितने भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्या होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जितने भी माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं एक कोष की, उन सबको किस पे रखा गया है, तो प्रोटोजोआ में। इन सब में क्या किया गया है, तो यूनिसेलुलर जीवों को रखा गया है, यूनिसेलुलर। और कौन कौन से हैं, तो अमीबा है, पैरामीसियम, युगलीना है, युगलीना। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोटोजोआ आप लोग का सबसे फर्स्ट फाइलम है, इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए, तो सबसे पहले जो प्रोटोजोआ वाले क्या होते हैं, जीव होते हैं, उनका खोज किया गया था। और ये क्या होते हैं, तो ये जलीय जीव होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं। और इसमें जो सेल होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब देखा जाए तो सबसे सिंपल एक प्रकार से ये जीव होते हैं, मतलब सबसे जो सरल शारीरिक संरचना वाले जीव होते हैं उनको रखा गया। और फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, तो आप लोगों को बता दिया अमीबा है, पैरामीसियम है और युगलीना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पोलीफेरा की। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, तो पोलीफेरा है। तो पोलीफेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म, कौन से एनिमल को रखा गया है, तो जितने भी टिश्यू संरचना वाले जीव होते हैं, किसमें, तो टिश्यू संरचना वाले जितने भी जीव होते हैं, जिनमें क्या होता है, सेल होता है, सेल के बाद से कुछ टिश्यूज भी का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जितने भी उत्तक के संरचना वाले जीव होते हैं उसको किसमें रखा गया, पोलीफेरा में। और पोलीफेरा में देखा जाए तो जितने भी छिद्र युक्त प्राणी होते हैं, क्या होते हैं, तो सभी छिद्र युक्त, मतलब उत्तकीय शरीर वाले सभी छिद्र युक्त प्राणियों को क्या किया गया है, पोलीफेरा में रखा गया है। मतलब इनके पूरे शरीर पे क्या होता है, छिद्र होता है, और उन्हीं छिद्र के माध्यम से ये जल का क्या करते हैं, अब्सॉर्प्शन करते हैं और एक्सक्रेशन करते हैं। तो छिद्र युक्त प्राणियों को रखा गया है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं स्पंज हो गया, स्पंज हो गया, उसके बाद से साइपॉन हो गया। ठीक है, ये सारे जो जीव हैं वो क्या है, तो पोलीफेरा के एग्जांपल हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका है सिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो सिलेंट्रेटा में ऐसे प्राणी आते हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, सिलेंट्रॉन होता है। ठीक है, एक प्रकार का ऐसा धागेनुमा संरचना होता है जो शिकार को पकड़ने में और उसे मारने में क्या करता है, मदद करता है। तो ऐसे प्राणियों को किस में रखा गया है, सिलेंट्रेटा में रखा गया है। इनके ऊपर क्या होता है, संरचना होता है धागेनुमा, जो शिकार को पकड़ने में क्या करता है, हेल्प रखता है। तो इसमें क्या होता है, सिलेंट्रॉन होता है, शरीर में क्या होता है, सिलेंट्रॉन होता है। और कौन से प्राणियों को रखा गया है, तो इसमें हाइड्रा होती है और जेलीफिश आती है। कौन आती है, हाइड्रा और जेलीफिश, ऐसे प्राणी हैं जिनके पूरे शरीर के ऊपर क्या होता है, सिलेंट्रॉन पाया जाता है और ये शिकार को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। और ये जीव जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका क्या है,
तो प्लेटीहेलमिंथीज है। प्लेटीहेलमिंथीज में जो भी जीव आते हैं तो उनमें चपटे कृमियों को रखा गया। प्लेटीहेलमिंथीज में कृमि आते हैं जिनका जो शरीर होता है वो उत्तकीय संरचना का होता है लेकिन पूर्ण रूप से अंगों का विकास नहीं हुआ होता है। तो इसमें कौन से जीव आते हैं, तो चपटे कृमि आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं लीवर फ्लूक और प्लेनेरिया और एक क्या होता है फैसिकोला। जो आप लोग का प्लेटीहेलमिंथीज का एग्जांपल है वो कौन सा है, तो चपटे कृमि है को रखा गया है, जैसे लीवर फ्लूक है, प्लेनेरिया है, फैसिओला है। इसमें कुछ ऐसे जीव आते हैं जो क्या करते हैं, पैरासाइट होते हैं, मतलब हम लोग के बॉडी के अंदर रह करके ये क्या करते हैं, तो बहुत सारे डिसीज को पैदा करते हैं। तो ऐसे प्राणियों को किसमें रखा गया है, तो प्लेटीहेलमिंथीज में। अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोग का कौन सा है, तो पांचवा जो फाइलम है वो एस्केहेलमिंथीज है। एस्केहेलमिंथीज में ऐसे प्राणी आते हैं जिसे हम गोल कृमि के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये कीड़े नुमा की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, और उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, गोल होता है, बेलनाकार होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एस्केरिस, फॉर एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिस है और फाइलेरिया वार्म है। क्या है, तो फाइलेरिया वार्म है, ठीक है। ये जो ऐसे प्राणी होते हैं इनका शरीर क्या होता है, गोल होता है, बेलनाकार होता है, लंबा होता है, नुकीला होता है। और ये प्राणी जो होते हैं ये भी हम लोग के शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे प्राणियों को किस में रखा गया है, तो एस्केहेलमिंथीज में रखा गया है। अब देखिए वही बात किया जाए नेक्स्ट एनीलिडा की, तो देखिए एनीलिडा जो है एक ऐसा संघ है जिसमें क्या होता है, तो इस एक एनीलिडा में ऐसे प्राणी आते हैं जिनके शरीर क्या होते हैं, खंड युक्त होते हैं। क्या होते हैं, खंड युक्त मतलब सेगमेंट होते हैं। बॉडी क्या होता है, सेगमेंट होता है, मतलब बराबर समान खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। और इनका भी शरीर क्या होता है, लंबा होता है और बेलनाकार होता है। क्या होता है, बेलनाकार होता है। ये नमी युक्त मिट्टियों में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जैसे केचुआ हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया, उसके बाद से नेरिस हो गया। तो ऐसे जो भी जीव होते हैं इनके शरीर के ऊपर एक क्यूटिकल का क्या होता है, आवरण होता है, जो कुछ लसलसा, चिपचिपा और चमकीला होता है। तो केचुए और नेरिस को किस में रखा गया है, तो एनीलिडा में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट जो है वो मोलस्का है। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, मोलस्का है। तो मोलस्का संघ में कौन से जीवों को रखा गया है, तो मोलस्का में ऐसे प्राणियों को रखा गया है, ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनके शरीर के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कवच होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, खोल होता है, जो उनके बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या होते हैं, तो ये जलीय प्राणी होते हैं। ये समुद्रों में और जल में पाए जाते हैं, नदियों और तालाबों में पाए जाते हैं। कुछ जो होते हैं वो कीचड़ में भी होते हैं। तो ये प्राणी क्या होते हैं, इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है जो इनके शरीर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं तो क्या हो गया, पाइला हो गया और क्रेब हो गया। पाइला बोले तो घोंघा, क्या होता है, घोंघा या फिर डोका बोल सकते हैं। और क्रेब जो होता है वो केकड़ा होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ऑक्टोपस को भी ले सकते हैं। ऑक्टोपस ये एक समुद्री प्राणी होता है, तो इसके ऊपर कोई कैल्शियम कार्बोनेट का खोल नहीं होता है। लेकिन जो ये पाइला होते हैं और ये क्या होते हैं, सीपिया होते हैं, सीपिया, इनके ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच होता है जो इनके बॉडी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऐसे प्राणियों को किस में रखा गया है, तो मोलस्का में रखा गया है। अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट जो है, तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा ये आप लोग के हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मैक्सिमम करके, कि वो कौन सा फाइलम है, कौन सा संघ है जो सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं कि आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम है जो सबसे बड़ा संघ है। क्या है, सबसे बड़ा संघ है।
मतलब ये जितने भी एनिमल्स के ये फाइलम बनाए गए हैं, इन 10 संघों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो प्राणी होते हैं, सबसे बड़ा जो संघ होता है वो कौन सा होता है, तो आर्थ्रोपोडा होता है, जिसे हम सबसे बड़े संघ के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें कैसे जीव आते हैं, तो जितने भी क्या होते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी क्या होते हैं कीड़े मकोड़े, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन बिच्छू हो गया या फिर कॉकरोच हो गया, ये किसमें रखा गया है तो आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा में मॉस्किटो हो गया, स्कॉर्पियन हो गया या फिर कॉकरोच हो गया, इन सारे कीड़े मकोड़ों को किसमें रखा गया है तो आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है। इनके ऊपर काइटिन का एक क्या होता है, लेयर होता है, कवच होता है, जो इनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और इनके शरीर में क्या होता है, जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर जितने भी और सिस्टम होते हैं सारे इनके बॉडी के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आप लोग का कौन सा फाइलम है, तो इकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट कौन सा है, तो इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा में ऐसे जीवों को रखा गया है, ऐसे जंतुओं को रखा गया है जो क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में किसको रखा गया है, तो समुद्री जीवों को रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं स्टारफिश, स्टारफिश या फिर सी अर्चिन, सी अर्चिन जिसे हम समुद्री खीरा के भी नाम से क्या करते हैं, इसमें समुद्री खीरा को भी नाम जानते हैं। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें सभी समुद्री जीवों को रखा गया है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं स्टारफिश और सी अर्चिन या फिर समुद्री खीरा हो गया, ठीक है। अब देखिए बात करा जाए नेक्स्ट जो है, तो आप लोग का क्या है, कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा एक ऐसा फाइलम है जिसमें हम लोग जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, मनुष्य जाति होते हैं या फिर जितने भी एनिमल्स होते हैं, जिनके बॉडी में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसको किस में रखा गया है, तो कॉर्डेटा संघ में। आप लोग का जो दसवां फाइलम है, दसवां फाइलम कौन सा है, तो कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा फाइलम में कैसे किस कर रखा गया है, तो जितने भी मनुष्य जाति के जीव हैं, मनुष्य हैं, सभी मनुष्यों को और जितने भी जानवर हैं, सभी जंतु जानवर को किस में रखा गया है, जंतु जानवर को किस में रखा गया है, तो कॉर्डेटा संघ में। इसका मेन सबसे एक जो पहचान है वो क्या होता है, तो इसमें रीढ़ की हड्डी क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। और इनके शरीर का जो विकास होता है वो फुल डेवलप्ड होता है, मतलब इनके अंदर शरीर में सारे अंग जितने भी सिस्टम होते हैं, सेल टिश्यूज ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम या फिर बॉडी, एक देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स बॉडी का ये क्या करता है, निर्माण करता है, जिसमें जितने भी मनुष्य जानवर होते हैं वो सारे पशु पक्षी किस में आते हैं, तो कॉर्डेटा संघ में आते हैं, ठीक है। तो अब ये रहा आप लोग का फाइलम के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को सारे फाइलम के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। तो आई होप आप लोग को ये फाइलम अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।